नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल लगातार चर्चा में रहता है और अब रवि शास्त्री ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रवि शास्त्री जब भारतीय टीम के कोच बने तब उनका शुरुआती दौर बेहद ख़राब रहा। भारतीय टीम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से सीरीज हार गई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब वह वापस घर लौटे तो लगातार लोगों ने उन्हें निशाना बनाया। लेकिन आपको बता दें कि रवि शास्त्री के ही कार्यकाल में भारतीय क्रिकेट टीम ने दो बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया और इसके साथ साथ बीते साल प्रभावित हुई टेस्ट सीरीज में भी इंग्लैंड से बढ़त हासिल की। इसके अलावा 2019 में विश्व कप में भी सेमीफाइनल तक भारत पहुँचा। और वहीं बात करें टेस्ट चैम्पियनशिप की तो भारत ने वह फाइनल मुकाबला भी खेला। तो ऐसे में अब रवि शास्त्री ने इसको लेकर एक बयान दिया है। रवि शास्त्री ने कहा है कि मैंने भी कभी कोचिंग को लेवल वन लेवल टू जैसे बैच पर नहीं रखा, मुझे यह सब चीज़ें पसंद नहीं, यह सब भाड़ में जाए। और उन्होंने कहा कि आपको भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, आपको असफल होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन लोगों की कभी परवाह नहीं की और मेरी चमड़ी ड्विग बॉल के चमड़े से भी ज़्यादा मोटी है और मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। आपको बता दें कि 2017 से 2022 से T20 विश्व कप तक का मुख्य कोच रवि शास्त्री ही रहे थे और अब राहुल द्रविड़ यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और रवि शास्त्री ने अपने इंटरव्यू के दौरान यह बड़ी बात की और साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के नए कोच रॉब के बारे में भी कहा कि रॉब टीम के लिए बेहतर प्रयास करेंगे और विकसित करने का काम करेंगे, मुझे खुशी है कि उन्हें कोच बनाया गया है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।